रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का नया ब्लॉग हम लोग स्टार्ट करते हैं, नए दिन के साथ नया ब्लॉग। और आज जुम्मा भी है तो अल्लाह ताला आप सब लोग की ख्वाहिशात को पूरा करे और आप लोगों को खूब तरक्की दे, आमीन। और अब ब्लॉग हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज की जितनी भी रूटीन होगी ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ना आज मैंने नया सूट पहना है, आज तहरानी ने आज ही सीखे दिया और आज मैंने पहन लिया। तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है। तो दुपट्टा मेरे पास था, मैंने कहा चलो और लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यही पहन लूँगी मैं। तो बाकी हमारे ने भी आज नया पहना है। हमारा इधर आओ, हमारा का तो मैंने आप लोगों को कल के ब्लॉग में दिखाया भी था सूट, तो मेरा आज ही सिल के आया था तो फिर आज मैंने पहन लिया। तो अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग तो वैसे ही स्टार्ट हुआ है तो आज की सारी रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और आज ना हम लोगों ने थोड़ी सी शिफ्टिंग वगैरह भी की है। किस चीज़ से किया है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ से ना जितने भी मुर्गियाँ थी, छोटी बड़ी जितनी भी थी, वो सारी यहाँ से जो हैं वो हम लोगों ने नीचे शिफ्ट कर दी हैं। और बस ये मुर्गी और इसके दो बच्चे रह गए हैं, और वो मुर्गी और मुर्गा और उसका वो बच्चा, वो भी कल नीचे शिफ्ट हो जाएगा, छोटा बच्चा जो है मुर्गी का, और बाकी बस ये रह गया। आज मानो भी आई हुई है घर पर, वरना नहीं होती घर ये। और सिम्बा भाई आ जाए, चलें जाके मुर्गियाँ देखते हैं। ये री सारी मुर्गियाँ अंदर घुस गए। इसको निकालती हूँ मैं सिम्बा को, जल्दी बाहर आओ सिम्बू। मानो से अब डरने लगे क्या, मानो मार दिया। चलो बाहर आओ सिम्बा, सिम्बा सिम्बू दाश आ जाओ, मानो पीछे हो जाओ। चलो सिम्बा आओ, मैं बंद कर दूंगी वरना, सिम्बा मैं बंद कर दूंगी, आ जाओ बाहर सिम्बू। सुनता ही नहीं है, आओ बाहर आओ, आ जाओ सिम्बा, आई एम गोइंग, लाफेस लाफेस, आ जाओ जल्दी आओ, हाँ आ जाओ, आ जाओ ना, चलो शाबाश, आ जाओ आ जाओ भाई, शाबाश अच्छे बच्चे। अब सिर्फ जो है ना एक बच्चा रह गया, क्योंकि दूसरा जो मैंने आपको कल दिखाया था कि जिसकी टांगों में अब जान नहीं रही थी तो वो मर गया है, और बाकी अब सिर्फ एक रह गया। आज मैं आप लोगों को खरगोशों से भी मिलवा देती हूँ ये रे। और आप लोग ना इस गंद को भी ना इग्नोर करें, क्योंकि इनको हम लोगों ने डाला और मुर्गियों ने सारा फैला दिया इसको। तो अभी फिर से इसकी सफाई होगी सहन की, तो वो करेंगे और फिर उसके बाद देखो। और ये बहुत मुश्किल से पकड़े जाते हैं, ये बहुत बदतमीज़ हो गया खरगोश। पहले तो इतना डरते थे कि समझ आता था कि भाई ये लोग क्या नाम है हमारे हाथों में नहीं आते हैं, लेकिन अब इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास भी आ जाते हैं, लेकिन इनको ना रात के वक्त पता लग जाता है, पकड़ने लगे हैं तो इसकी वजह से भाग जाते हैं, ये छुप जाते हैं गंदे बच्चे। हमारा आज वो बंटू वालों से मिल के हैं, वो बार बार आवाज़ें दिए जा रहे हैं राफे राफे, सिपारे से आ गए। और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, आपको बंटू बार बार बुला रहे थे लेकिन आप तो जा नहीं रहे, इसलिए हम जा रहे हैं। चलो हाँ जी बांटू, मेरा बांटू बेटा, मेरा बांटू, मेरा बांटू, आपे का प्यारा प्यारा बांटू। शोर बहुत करते हैं भाई, बहुत ज्यादा शोर करते हैं ये। चलो अंदर चलते हैं, हाँ ये निकले है? वो कहाँ से निकले हैं ये दरवाजे के नीचे से आए। और अगर ये वहां से निकल जाते हैं भी है, कितने थे? हाँ ये भी टोटल थे 11, जिसमें से 3 ये थे, एक तो मर गया, और 10 वन। अभी पापा को बुला लिया तो वो आके करेंगे, पापा आया, पापा आके आ गए, और अभी वो आके इनको पकड़ेंगे और फिर बंद करेंगे। पापा वाले से दोनों, एक वो कौन सा था नाम भूल जाती हूँ मैं, एक बजरी है और एक दूसरा। चलो अभी पकड़ेंगे पापा, बाहर को ये उड़ रहे हैं लेकिन ऐसे लग रहे हैं जैसे वो भी बाहर को निकले हुए हैं।
ओ ओ कितना तेज उड़ता है ये बजरी। वाओ इनकी इनकी ना फ्लाइंग स्पीड जो है ज्यादा बढ़ गई है। इतनी मुश्किल से पकड़े गए हैं ना, वो जो लव बर्ड था वो तो पकड़ा गया, लेकिन जो बजरी था उसने तो इतना जलील किया ना बहुत ज्यादा। और बाकी यहाँ पे मम्मा दाना वगैरह डाल रही हैं, गुड। यहाँ पे भी डाल दिया मम्मा ने दाना और वहाँ पे भी डाल दिया। और अब यहाँ पे बंटू वाले को अभी देखें, फिर भी थोड़ा सा ये चुप हो गया है, लेकिन जब पापा आए थे तब बहुत ज्यादा इनका शोर था। आज ना हम जल्दी ही ये पर्दे वगैरह जो है ना ये नीचे कर देंगे, क्योंकि अबू जो है ऊपर कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि पापा तो ग्राउंड चले गए हैं और बाकी क्योंकि वो रात को ईशा के टाइम शायद आए, तो इसलिए अब तो कोई नहीं आएगा, तो इसलिए अभी हम कपड़ा जो है वो नीचे कर देंगे। पापा के स्पोर्ट्स हो रहे हैं ना, तो संडे को ना पापा का है स्पोर्ट्स डे है, तो उसमें बहुत सारी गेम्स होंगी, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और काफ़ी सारी गेम्स होती हैं, आप लोगों को पिछला एक स्पोर्ट्स का मैंने ब्लॉग दिखाया भी था जब पापा वाले के हुए थे, तो तब भी काफ़ी मज़ा आया था और अब भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप लोग संडे का इंतज़ार करना और वहाँ फिर ब्लॉग देखना आप लोग, मैं जब बनाऊंगी फिर आप लोग देखना, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। और संडे का इंतजार करें आप लोग, डिनर भी होगा ना। हाँ डिनर भी होने वाला है, लेकिन मैं बेचारी पता नहीं जा भी पाती हूँ कि नहीं, लेकर जाऊंगी। दो बच्चे अलाउ है ना। हाँ लेकिन पता नहीं मैं जा भी पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि हर बार तो आप राफे वो राफे कह रही हूँ मैं और राफे तो बेचारे मासूम से बच्चों को लेकर, तो हमारा और मोहित जाते हैं हर बार। नहीं इस बार आप और इमारा जाना और हाँ आप लोग भी आ जाना पीछे। और आप लोग बेचारे रहना ठीक है यहीं पे, हम भी आ रहे हैं। नहीं नहीं किसी के साथ आ जाएंगे, कोई तो अकेला जा रहा होगा ना। ऐसे आ जाओगे, अभी लेके जा रही दाना भी लेके जा रही है रोधे को, पहले ही आ जाऊंगी। ये मिट्टी है अच्छा। हाँ अभी हम लोग जाने लगे हैं, सारे पर्दे वगैरह नीचे कर दिए और ये जनाब आला भी आए हैं, चलें अब। ये वहाँ नीचे से, अब पता क्या करते हैं, इसके नीचे कोई चीज दे देते हैं, ताकि निकल ही ना पाए। अब नीचे क्या दोगे? नीचे ये बोझियां पड़ी हुई है ना, चलो दो। ये कैच नहीं ना, वो बाहर कपड़ा भी पड़ा हुआ है, कपड़ा कर लो। तो बाय बाय, लव यू सारे पैरट्स, अब कल मुलाकात होगी, शायद मेरी नहीं मम्मा वाले की, क्योंकि मेरा तो बढ़ाने का दिल नहीं करता। चलो चलो इसके हो। राफे लेके आओ ब्रश, ये लो मेरी तरफ से ईदी। देख लो मैं ब्रश नहीं लाऊंगा, इधर रखूंगा। नहीं नहीं आप मेरे अच्छे भाई हो ना, तो आप मुझे ला के दोगे ब्रश भी, ये इधर भी है। पेचा लगने वाला है, पेचा लग गए। पतंगबाज कहीं का, एक दो फ्री फायर की जान नहीं छोड़ती, जब मोबाइल पापा के पास होता है तब यही। वाह वाह वाह, काट दिया ना। ये किसका था पतंग? सारे नाला ले हम फायदा। अच्छा कट गया उनका, कट गया यार, पतंग नहीं लमका जा रहा। बस अब गया। चल नूबड़ा, चलो नूबड़ा नहीं काटा है। चलो चलो अच्छा चलो, हमारा तो सो भी गई है, मुझे इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अभी मेरा ना एकेडमी का टाइम हो गया है, तो थोड़ी सी पढ़ाई शढ़ाई कर लें, फिर उसके बाद आके बाकी का व्लॉग मैं बनाऊंगी एकेडमी से आके। तो तब तक आप लोग इंतजार करें, मतलब कि इसमें तो आप लोग इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैं अब तो बी कैट भी जाऊँ ना, तो फिर उसके बाद आके मैं बाकी का व्लॉग जो है वो शूट करती हूँ। राफे अभी ये ले आया ब्रश, मैं राफे और अब्दुल मोहित हम तीनों पेंट करने लगे, जरमीनी मारा तो चले गए हैं अकेडमी। राफे बनाना आता है ये वाला? नहीं ये तो वो टीयर गार्डन को करते, दूसरे वाला वो वाली बाल्टी उठाओ। बनाना कैसे आता है बनाना? हाँ। कैसे? मैंने पेंट वाले भाई को करते हुए देखा था। अच्छा खुश तो नहीं हो गया कहीं? सही है ना, चलो बनाओ फिर करते हैं। कितना डालना है? अभी अभी थोड़ा ही बनाओ, ज्यादा ना बनाओ, ये ना कि खराब हो जाए, सही हो भी ना।
पानी डलेगा इसमें। अच्छा राफे ने इसके अंदर पानी डाला है और अभी लकड़ी के साथ ना इसे मिक्स कर रहा है। कहीं ज़्यादा पतला तो नहीं कर दिया राफे? लग रहा है वैसे। मुझे भी लग रहा है ज़्यादा पतला कर दिया है आपने। अभी थोड़ा और डाल दो। गो राफे ने ना ये मुझे मिक्स कर दिया है, अभी हम ट्राई मारते हैं। वैसे मुझे करना नहीं आता, पैर ऐसे सीख जाएंगे। अच्छा राफे मुझे अभी भी पतला लग रहा है ये। पानी ठहरो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हो ही नहीं रहा है। पतला कर दिया बहुत ज्यादा। फिर रुको और डाल, पहले आप अच्छी तरह मिक्स भी करते जाओ ना। ये भी कुछ देर पड़ा रहेगा? नहीं ऐसे नहीं होता राफे, ऐसे ही होता है, कुछ देर रखते हैं उसे। उन्होंने अच्छे से मिक्स हो, पेंट वाले भाई ने नहीं रखा था। ओ क्यों नहीं रखा था? लाला भाई को मैं जितनी बार देखा उन्होंने हर बार ही रखा है। मैंने काफी सारा पेंट कर लिया, यहाँ से स्टार्ट किया। पहले मैंने ये वाला हिस्सा सारा कवर किया, फिर अभी मैंने कहा यहाँ से पूरा यहाँ इतना करूँ। सही है, फिर जल्दी करो, थक गई होगी आप भी, है ना? क्यों? मुश्किल तो नहीं है, आसान है। आसान है? पहले तो आप बोल, हाँ पहले तो आप बोल रही थी कि मुश्किल है बहुत, हाँ थक जाएंगे। तो अभी भी मैं एकेडमी से आई हूँ और यहाँ पे देखे मम्मा ने शुरू भी कर दिया, मेरा इंतजार भी नहीं किया। हाँ जी ये भी कर लिया मम्मा ने सारा पेंट, और ये भी अब वो ऊपर वाले रह गया, यहाँ से करना है, और ये। और अब राफे आज आप एकेडमी क्यों नहीं आए? बस अब आप बताएंगे आपको। कोई तो वजह थी। मट्टों को देखो और इसने देखे डिजाइनिंग करवाई, साथ ही दीवार की चिपक गई थी। है नीडू नीडू। तो हमारा स्टूडियो जो है वो कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और अब जो है नए नए से अच्छे अच्छे से व्लॉग्स आएंगे और आप लोग देखना और एंजॉय करना। और बस मैं आज का व्लॉग का भी एंड कर दूँ, तो उम्मीद करती हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।